विशाल क्या भाई सेंटर ठीक है हमारा क्या करवा रहे हो रुको वेट साइंस की टेक तो सीखना है अभी रेडी रुको वेट यार एक बार सही कहां जा रहे हैं देखना तो भी नहीं हुए हैं आई थिंक कितना अभी छः घंटे हुए हैं और छः घंटे के हिसाब से रिस्पॉन्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा है गाना सबको पसंद आ रहा है और गाना विजुलाइज जो उसके विजुअल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं डायरेक्ट किया है राजवीर इनसे हमारा पुराना रिश्ता है मैंने अभी आपको पहले बताया था कि हमारी शादी में जो फोटोग्राफी की थी वो इन्होंने की थी सभा की शादी में जो फोटोग्राफी की थी वो इन्होंने की थी वहाँ से हमारा एक रिश्ता बना था और रिश्ता ऐसा है कि जब इन्होंने बोला कि शायद शो मेरे पास एक गाना है मैं चाहता हूँ कि आप शूट करो और गाना भी बहुत अच्छा था अंकित तिवारी उनको मतलब उनकी आवाज़ किसको नहीं पसंद है मुझे भी बहुत पसंद थी तो जब गाना सुना इन चीज़ें मटेरियलाइज हुई और गाना क्या खूब निकला है आप सबके सामने जिस हिसाब से आपके रिव्यूज़ हैं आप सबके कमेंट्स हैं और आप सबके फीडबैक जो आ रहे हैं गाने को लेके वो बहुत ही अच्छा है तो शुक्रिया आप सबका इतना पसंद करने के लिए है कि नहीं क्या बोलोगे बहुत धन्यवाद सॉन्ग को लेके मैं तो परफॉर्मेंस की बात करूँगा शोएब भाई और सुरभि की जो परफॉर्मेंस हुई है बहुत बढ़िया पूरी वीडियो में विजुअल्स में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से निकल के आ रही है और है ही बहुत उम्दा एक्टर है दोनों तो उसी को मैंने तो वही था कि मेरे को बस इतने अच्छे एक्टर हैं तो मैं उनको जितना यूज़ कर सकता हूँ वीडियो में तो मैंने वही कोशिश करी है कि उनकी परफॉर्मेंस को और अच्छे से अच्छा दिखाया और आप लोग सब बहुत अच्छा रिव्यूज़ आ रहे हैं व्यूज़ आ रहे हैं तो बहुत एक्साइटेड हैं बहुत खुश हैं इस बात से केमिस्ट्री काफ़ी अमेजिंग लग रही है आपको ये सॉन्ग आई थिंक मैं चंडीगढ़ में था जब हम लास्ट मिले थे हाँ जी मैं अपने आहिस्ता वगैरह शूट करने गया हुआ था लेकिन वहाँ पे राजवीर हमसे मिला था और हम सबक की शादी के सिलसिले में ही मिले थे बात करने के लिए जब चीज़ें बहुत इनिशियल स्टेज पे थी तो राजवीर ने बताया कि मैंने अपना लेबल खोला है सारी चीज़ें हैं तो वो चाहता था कि मैं और दीपिका एक सॉन्ग साथ में शूट करें वो सॉन्ग अभी शूट नहीं हुआ है वो मतलब बहुत ही मस्त सॉन्ग है वो भी पंजाबी सॉन्ग है रोमांटिक सॉन्ग है उसको हमने कहा था कि हम इसको दिसंबर या जैन में वहीं कहीं खेतों में समथिंग ऐसा कुछ शूट करेंगे क्योंकि वो फील ही वैसा वो है फील ही पंजाब का बट उससे पहले राजवीर ने आई थिंक हमने 23rd को शूट किया था ये वाला हाँ 23rd एंड उससे एक हफ्ते पहले जस्ट राजवीर ने मुझे ऐसी सॉन्ग फॉरवर्ड किया कि भाई एक ये सॉन्ग भी है आप करेंगे क्या तो जैसे कि मैंने पहले बोला कि गाना मुझे बहुत अच्छा लगा अंकित तिवारी की आवाज़ एंड राजवीर साथ में तो मैंने कहा हाँ कर दिया चलो दीपिका को बहुत ज़्यादा पसंद आया है बहुत अच्छा लगा है और वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करती है स्पेशली मेरे काम को छोटी छोटी चीज़ें बारीकियाँ पकड़ती हैं बट उसको ये गाना ओवरऑल बहुत अच्छा लगा उसने स्पेशली बोला था कि राजवीर से बोलना कि बहुत ही अच्छा डायरेक्शन है थैंक यू हम इस तरीके से पहली बार साथ में काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है मतलब एक इमेज जो राजवीर की है प्रोडक्शन की ये चीज़ें हैं तो बहुत ज़्यादा अब एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है राजवीर से इंशाल्लाह आगे काम करेंगे तो राजवीर बोल रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि मैं अपना ही नाम ले रहा हूँ व्हाट्स नेक्स्ट बताइए भाई व्हाट्स नेक्स्ट इनके साथ इनके साथ हमारा एक प्लान है शोएब जी और दीपिका मैम दोनों के साथ हमारा एक प्लान है लेकिन अभी थोड़ा सा करेंगे उसको क्योंकि पंजाब में शूट करना है अभी ठंड बहुत होती है वहाँ पे हाँ। तो थोड़ा ठंड कम हो जाए उसके बाद हम इनके साथ एक और गाना प्लान कर रहे हैं सुरभि के साथ तो मेरा हाँ सुरभि के साथ तो मतलब पुरानी यादें हैं पुराने रिलेशन है जब हमने कोयलाट के आया साथ में शूट किया था तो एक पल के लिए जब हम साथ में मिले तो ऐसे ही लगा कि यार शिट मतलब 5 साल हो गए उस चीज़ को 2017 में किया था लेकिन जब मिले साथ में तो ऐसा लगा नहीं कि 5 साल हो गए हैं ऐसा लगा हाँ अभी की तो बात थी वही वार्म वही आपस में बात करने का तरीका वही मस्ती मजाक वही था एंड किस तरीके से शूट हो गया हमें खुद पता नहीं चला सुबह 11 बजे से हमने शूट स्टार्ट किया रात में कुछ 1:30 बज गए थे बट वो कैसे टाइम बीता है तो ये हैं हमारे म्यूजिक कंपोजर संजीव जी क्या कहना चाहेंगे आप हाँ एक बहुत बड़ी सच्चाई आप कितना भी बेहतर गाना बना लो अगर आपके गाने में फेस नहीं है तो आपके गाने की जीरो वैल्यू एंड ही इज अ स्टार फेस नाउएडेज एंड मेरा इनके साथ थर्ड सॉन्ग है एंड लोग इनको इतना पसंद करते हैं कि अगर शोएब भाई है गाने के अंदर तो गाने को और 4 चांद मिलते हैं तो आई एम थैंकफुल टू राजीव राजवीर भाई
कि उन्होंने गाना दिया एंड बहुत प्यारा वीडियो डायरेक्शन किया, इन्होंने कमाल की एक्टिंग की है, तो मेरे लिए प्रिविलेज है कि मैं इन लोग के साथ काम करूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच संजीव जी। बट जैसे कि इन्होंने बोला, मुझे ऐसा लगता है कि जब गाना अच्छा होता है, हर एक चीज़ पूरा एक पैकेज में होती है, फिर चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो लिरिक्स हो, फिर डायरेक्शन हो, परफॉर्मेंस। जब तक ऑडियो अच्छा नहीं होगा ना, तब तक आप परफॉर्मेंस कैसे निकालोगे आप? जब वो ऑडियो अच्छा होता है, लिरिक्स अच्छे होते हैं, साथ में कंपोजिशन अच्छा होता है, देन फिर आप उस चीज़ को महसूस कर पाते हो, फिर चाहे वो रोमांस हो, चाहे वो इमोशंस हो, चाहे वो अग्रेशन हो, कुछ भी हो। तो आई थिंक इस चीज़ की मैं दाद देना चाहूँगा संजीव जी की, बहुत ही अच्छा कंपोज किया है। एंड यस, अंकित तिवारी सर जिन्होंने बहुत ही बखूबी उस चीज़ को गाया है, आवाज़ में जो दर्द है, जो पेन है, वो बहुत निकल के आया है, तो शायद इसलिए हम सबकी परफॉर्मेंस में वो चीज़ निकल के आई है। जब मेरे पास पहला गाना आया ना, तो मुझे ये था कि हाँ यार, ये ऐसा सॉन्ग मैंने अभी तक नहीं किया है। मैंने इमोशनल सॉन्ग किए हैं, आई थिंक जिए तो जिए हमने वो इमोशनल किया था, टूटा तारा हमने इमोशनल किया था, बट ये कुछ एक डिफरेंट जोन में था। अगर मैं इसको सुनता हूँ तो मुझे वो बी प्राक वाला जोन, यू नो, वैसा वो याद आता है। तो जब गाना सुना सुकून से बैठ के, और एक नहीं कम से कम 3-4 बार सुना, तो पहली बार में मुझे थोड़ा सा ओके लगा, फिर दूसरी बार सुना, फिर तीसरी बार सुना, फिर चौथी बार सुना, आधे घंटे एक घंटे के बाद आई थिंक मैंने राजवीर को मैसेज किया, मैंने कहा भाई मैं ये कर रहा हूँ। क्योंकि होता है कभी कभी आप सॉन्ग को सुन के ही आप समझ जाते हो कि चीज़ किस तरीके की होने वाली है, निकलने वाली है। एंड फिर उसके बाद जब शूट किया तो मज़ा आ गया। सबसे पहले तो मैं दिल से शुक्रिया बोलना चाहूँगा कि सबका, जो हर एक चीज़ को इतना प्यार देते हैं, आप सब इतना अप्रिशिएट करते हैं। और इस यही आई थिंक यही एक रीज़न है कि जो भी गाना अब तक हमने किया है, मैंने किया है या मैंने दीपिका ने साथ में किया है, वो लोगों को बहुत पसंद आया है। एंड गाना सुनते वक्त ना मुझे, मैं सच बताऊँ, मैं ना ही कोई कभी ऐसा कोई देखता हूँ कि यार कोई बड़ा डायरेक्टर हो या कोई बड़ा लेबल हो, कुछ नहीं हो। गाना पहली बार सुनते ही ना कानों को अच्छा लग जाना चाहिए। और मैं हूँ 90s लवर, मैं बहुत मुझे 90s का एरा मुझे बहुत पसंद है, 90s के सॉन्ग्स मुझे बहुत पसंद है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे, सुनेंगे, तो मेरे कहीं ना कहीं वो एक फील रहता है, फिर चाहे वो मुस्कुराना हो, चाहे वो आहिस्ता हो। तो अगर कानों को गाना अच्छा लग गया पहली सुनते ना, तो मतलब हाँ, मैं उसको फाइनल कर देता हूँ कि नहीं आई है, ठीक है। वरना आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सेम तरह की आती हैं, तो वो मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। और शायद यही रीज़न है कि मैं बहुत सोच समझ के सॉन्ग स्पेशली मैं लेता हूँ, और थोड़ा वक्त वक्त के बाद में सामने लेके आता हूँ। देखो मुझे पता था आप ये सवाल करेंगे। क्या होता है ना, देखो आपको अगर चाहने वाले लोग मिलेंगे तो आपको वहाँ पे क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग भी मिलेंगे, आपको आपकी अच्छाई करने वाले लोग मिलेंगे तो आपको बुराई करने वाले लोग मिलेंगे। आपको ख़ुद पे यकीन होना चाहिए कि आप जो कर रहे हो वो सही है या गलत। अगर आपको ख़ुद पे यकीन है, आपके जो आपके अपने हैं, आपकी फैमिली है, उनको यकीन है कि नहीं आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, बाकी नहीं सोचना चाहिए किसी के बारे में। इनफैक्ट मतलब मैं तो नहीं सोचता इस चीज़ को, क्योंकि हर इंसान की अपनी ओपिनियन होती है। कुछ लोग गाली देते हैं, कुछ लोग उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। यस, कभी कभी गुस्सा आता है तो मैं भी बोल देता हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या, हम भी इंसान हैं, हम एक पब्लिक फिगर हैं, एक सेलिब्रिटी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे अंदर इमोशंस नहीं है, हमें चीज़ें बुरी नहीं लगती, हमें भी बुरी लगती है। लेकिन लोग आजकल इंसानों को जज बहुत जल्दी करने लगे हैं, बिना कुछ जाने समझे पहचाने। तो ठीक है, उतना वो कॉल है, उनकी शायद वो इतनी समझ है, बट आई थिंक इस सारी चीज़ों को लेके ये एक पार्ट है। अगर जहाँ आपको अच्छाई तारीफ मिलेगी तो आपको बुराई भी मिलेगी। जितना आप सुन सकते हो सुनो, नहीं सुन सकते तो आप उल्टा सुना दो, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। बट यस, मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा अच्छाई वाले पार्ट को ज़्यादा देखना चाहिए। और यस, मैं बहुत प्राउडली इस चीज़ को बोलता हूँ कि बुराई अच्छाई का रेशियो हमेशा ज़्यादा होता है, और मेरे साथ भी हमारे साथ भी ज़्यादा है, तो हम उसको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देते हैं। इंशाल्लाह जल्दी, अगर ऐसा कोई सॉन्ग लगा कि हाँ ये हम दोनों को साथ में करना चाहिए। वैसे भी आप सबको पता है कि अभी बहुत
नहीं कर रही है वो काम, थोड़ा सा अपने अपने जोन में है, वो बोलती नहीं मुझे अभी नहीं करना है, बट यस कभी कभी मैं उसको फोर्स कर लेता हूँ, मना लेता हूँ कि नहीं दीपिका यार ये तो सॉन्ग हमें साथ में करना चाहिए। तो अगर मुझे ऐसा कोई सॉन्ग लगा, एक राजवीर का सॉन्ग है जो हमने बताया है, वो अभी देखते हैं कब प्लान होता है उस हिसाब से, तो आई थिंक वो होगा या फिर अगर कुछ और होता है तो वो होगा। यार बिग बॉस में बिल्कुल फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ सच बोलूँ, क्योंकि मैं रात में पहुँचता ही घर 11 बजे के आसपास हूँ। यस दीपिका फॉलो करती है, घर वाले फॉलो करते हैं, मुझे अब्दू बहुत पसंद है बस। मैं भाई कुछ उन्होंने बताया इस बार क्या किस तरह से बिग बॉस का गेम है, अब्दू के बारे में कुछ बताया नहीं? नहीं नहीं, अब्दू को मैंने दो तीन, मैं इंस्टा पे जब स्क्रॉल करता हूँ तो मैं उस चीज़ को देखता रहता हूँ, एंड जब मैं घर पहुँचता हूँ तो मैं ना मैं और ना दीपिका बिग बॉस की बात करती है, हम अपनी बातें करते हैं क्योंकि वक्त मिलता नहीं ज़्यादा एक दूसरे के साथ। सुबह निकल जाता हूँ 7:30 में और रात में 10:30-11 बजे मेरा आना होता है, तो हम जो भी एक आध दो घंटे फिर थक थक भी बहुत जाता हूँ, नींद भी आती है, तो अपनी बातें करते रहते हैं हम। प्लेस अच्छा है, मैं आई थिंक यहाँ पे पहली बार आया हूँ, उससे पहले मैं आया नहीं हूँ, तो मुझे अच्छा लगा एम्बियंस फिलहाल, तो इतना तो मुझे अच्छा लगा, तो यस गुड प्लेस। थैंक यू गाइज, गाना देखते रहिए सोल म्यूजिक स्टूडियो यूट्यूब पेज पे, गाना है कैसे बताएं, प्लीज़ देखिए, प्यार दीजिए, एंड आई लव यू ऑल, थैंक यू। हाँ रुको वेट 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 इधर इधर थैंक यू सब है सोलो वेट वेट बंद कर दूं।